subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेटेड डाई इंस. तो इसके पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द कंजुगेटेड डाई इंस. तो पिछला वीडियो आप जरूर देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है. सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक. सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक. सो कंजुगेटेड डाई इंस, जिसे हम एल्का डाई इंस भी बोलते हैं, एल्कीन डेरिवेटिव ही है एक तरीके से, जिसे हम डाई एल्कीन्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे एल्कीन जिनमें कम से कम दो जगह पे डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं डाई इन. अब यहां पे जुड़ा वर्ड है कंजुगेटेड, इसका मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म पे, मतलब डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, वो हमारा है कंजुगेटेड डाई इन सिस्टम. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं वो हमारा है 1,3-butadiene डाई इन. ठीक है, तो ये 1,3-butadiene देखेंगे हम, अगर हम लोग तो ये आपका ये पोजिशन, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो इसमें आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं अल्टरनेट फॉर्म पे हैं, डबल बॉन्ड देन सिंगल देन डबल, मतलब ये एक पाई बॉन्ड से, सॉरी सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हुआ है. ठीक है, उसे बोलते हैं कंजुगेटेड डाई इन. ठीक है, अब बात करें हम लोग नॉन कंजुगेटेड डाई इंस की, जिसमें हमारा है 1,4-penta डाई इन की बात करें, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एक तरीके से ये मोर देन वन, यहां पे एक से ज्यादा अगर आपके कार्बन एटम से सेपरेट हुआ है, ठीक है, तब वो आपका नॉन कंजुगेटेड डाई इंस होंगे. एक होता है कम्युलेटिव होता है, सपोज जिससे की बात करें हम लोग इस तरीके से, ये हमारा क्या है कम्युलेटिव डाई इंस है. ये भी एक तरीके से नॉन कंजुगेटेड डाई इंस है. ये हमारा क्या है आइसोलेटेड डाई इंस है, ये हमारा आइसोलेटेड है, जबकि ये हमारा है कम्युलेटिव डाई इंस. ठीक, दोनों ही नॉन कंजुगेटेड डाई इंस है. अब इस दोनों के कंपेयर पे जो हमारा कंजुगेटेड डाई इंस है उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है. क्यों होती है वो हमको समझना है इस वीडियो पे. सो बेसिकली बात करें कंजुगेशन की, तो उसमें रेजोनेंस पॉसिबिलिटीज है. व्हाट डू मीन अबाउट द रेजोनेंस? रेजोनेंस मींस डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द कार्बन एटम. कार्बन एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरीके से डी लोकलाइजेशन शिफ्टिंग एक तरीके से पॉसिबिलिटीज है हमारे इस कंजुगेशन की वजह से, अल्टरनेट फॉर्म पे होने की वजह से. इसलिए इस पे रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे जिसमें रेजोनेंस होती है, जैसे कि बेंजीन की बात करें, एरिन की बात करें, है ना, तो उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. सेम इसमें भी केस है. सो इन द कंजुगेटेड 1,3-butadiene ऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल 4 कार्बन एटम. द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन मेक्स द कंपाउंड मोर स्टेबल. जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपका 1,3-butadiene है, मतलब उसमें आपका 1, 2, 3, 4 कार्बन होंगे. अब इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, अगर देखेंगे एग्जैक्ट देखेंगे तो ये आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपस में बहुत ही क्रॉसओवर नेचर पे होते हैं, तो आपके जो एक पाई इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स हैं वो आपस में शेयर हो सकते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं बेंजीन पे, बेंजीन में हम बेंजीन की बात करें हम लोग, तो कैसा होता है बेंजीन का रिंग, इस तरीके से होता ना, लेकिन हम इसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है बेंजीन का रिंग, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन हम लोग लिखते क्या है ओवरऑल इस तरीके से, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे आपके कार्बन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वही हमारा है रेजोनेंस या डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन. ठीक, सेम फंडा इस पे है, ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. सपोज यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके शिफ्ट हुआ इस सिग्मा बॉन्ड पे, और यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन पे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो रहा है तो क्या होगा, यहां पे प्लस चार्ज होगा, और यहां पे गेन हो रहा है तो बन गया हमारा माइनस चार्ज बन गया, और यहां पाई बॉन्ड मूव कर दिया इस वाले सिग्मा बॉन्ड पे. ठीक है, अब ऐसे हो सकता है कि वापस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वापस अपने इस बॉन्ड को दे देगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वापस अपने इस बॉन्ड को दे देगा, तो क्या होगा, यहां से वापस सेम जो स्ट्रक्चर आया था वो बन सकता है. अगर इस तरह से मूव हुआ है, अगर अपोजिट मूव होता है, यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगर इस सिग्मा बॉन्ड को दे देगा और यहां का जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम को दे देगा, तो वापस यहां पे प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज,
है ना, पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये एक तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बात करें तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली हर एक कार्बन पे, कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये आपका रेजोनेंस है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें आपके सारे जो कार्बन हैं, ये हमारा sp, ये आपका sp2 है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है, तो सारे के सारे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें s करेक्टर अधिक होती है। ठीक, चलिए इसके अलावा एक और थ्योरी है, वो हमारा है हाइड्रोजनेशन एनर्जी थ्योरी। तो बेसिकली जितना एनर्जी कम होगा, जाहिर से बात है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मीन्स हाई स्टेबल। तो देखा गया, प्रैक्टिकल देखा गया है कि जो कंजुगेट डाई इंस हैं उसकी जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो होती है 54 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा सीरीज है, जैसे कि हमारा ये कौन सा, ये है हमारा कंजुगेट डाई इंस सिस्टम। अब इसमें आप जो हैं, हम इसको ही बोलते हैं कंजुगेट डाइन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि इन पे होगा, ये भी आपका ही कंजुगेट डाइन सिस्टम ही है। लेकिन अगर बात करें केवल एक कंपाउंड की, तो 1,3-बीटाडाइन को हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट है, देखो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट फॉर्म पे। ठीक, अब देखिए यहां पे आइसोलेटेड नॉन कंजुगेट डाइन, बात करें इसमें पेंटाडाइन की बात करेंगे हम लोग, तो हमारा कौन सा है, ये है एक तरीके से। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये हमारा देखिए हाई साइड पे होता है, कितना होता है 60 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पे होता है एनर्जी। ठीक है, तो हाई हो गया एनर्जी। बात करें कम्युनिटी डाई इंस की, उसमें अप्रोक्सीमेटली होता है 70 किलो कैलोरी, ये वाला सिस्टम देखिए, है ना। तो इस बेस पे भी हम बोल सकते हैं कि जो कंजुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द नॉन कंजुगेटेड आइसोलेटेड एंड कम्युनिटिव डाई इंस। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स, जिसे हम एल्का डाइन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बेसिक्स पॉइंट्स और हैं हमारे कंजुगेटेड डाइन्स के सिलेबस में, वो हमारा है एलाइलिक रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में, जो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डेप्थ में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।